नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएमएन न्यूज। मैं हूं आपके साथ कनिका। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ अहम खबरों के साथ। मुरादाबाद के थाना सिविल लाइन क्षेत्र स्थित दीवाना शुगर मिल परिसर में उस समय हड़कंप मच गया जब एक कर्मचारी की फैक्ट्री की मशीनों पर लगी चेन में फंसने से मौत की खबर फैली। घटना देर रात की बताई जा रही है। मौत की सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और बॉडी को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाने की तैयारी में जुटी है। क्या नाम है? मेरा नाम डॉक्टर आजाद। डॉक्टर आजाद जी, क्या आप सराय खजूर के प्रधानपति हैं? जी जी जी। ये जो मिल में एक हादसा हुआ, क्या मामला है? ये मिल की लापरवाही का, और जो है ये नहीं देखते कि वहाँ जो है इनका सिस्टम खराब है, क्या है, आए दिन दुर्घटना होती रहती हैं। क्या आए दिन का मतलब? इससे पहले भी कोई घटना हुई है? पहले 8-10 दिन पहले वो वहाँ जो है एक लड़का हमारे गाँव का ही मारा गया। नहीं, उसके बारे में सुनने में आया है कि उसको कोई मुआवजा दे दिया गया था। हाँ, वो वार्ता तो हो गई थी मिल से, अभी जो है डिसाइड 15 दिन के बाद चलेगा पता। अच्छा, आज जो घटना हुई है, इसको क्या आप इसको किस तरह देखते हैं? मैं मानता हूँ कि ये मिल की कमी है कि ये जो है अपने कर्मचारी को या किसी चीज को जो है ये सही तरीके से सुरक्षित नहीं रख पा रहे। अच्छा, तो आप इसमें प्रशासनिक अधिकारियों से क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगा कि इसका सुधार होना चाहिए और जो है ये ऐसी घटनाओं से जो है निजात मिलनी चाहिए। अच्छा, यहाँ सुनने में आ रहा है कि यहाँ पे जो मिल की शिफ्टिंग है, जो लेबर काम करती है, वो 12 घंटे काम करती है। हाँ, 12 घंटे करती है भाई, 12 घंटे, जबकि 8 घंटे ड्यूटी होनी चाहिए लेबर की। हर जगह जो है पूरे भारत के अंदर 8 घंटे ड्यूटी है, यहाँ 12 घंटे का क्या मतलब है? ये हो सकता है कि ये ठेकेदार धानलीबाजी करते हो। अच्छा, ये जो लड़का काम करता है, किसी ठेकेदार के अंडर में काम करता होगा ना? हाँ, ठेकेदार के अंडर में ही काम करता था। अच्छा, अब आप लोग क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं, गरीब परिवार है, इसे जो है एक नौकरी और वो जो है इसे मुआवजा मिल जाना चाहिए। अच्छा, मुआवजा कानूनी कार्रवाई नहीं चाहते आप लोग? नहीं, कानूनी कार्रवाई जो है उचित तरीके से हम जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वो देखेंगे अभी बाद में। अच्छा, ये बताइए कि जैसे कि आपको जो अभी जानकारी मिली है कि लड़का नाबालिग था, क्या कहना चाहिए? क्या नाबालिग के बच्चे काम करते हैं यहाँ पर? उसकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 2005 के आसपास है उसके आधार कार्ड में, क्या कहना चाहेंगे? आपके यहाँ नाबालिग बच्चे काम करते हैं? नहीं, ये तो अच्छा, ये तो मुझे पूरा मालूम नहीं, मगर इसे मिल को जो है देखना चाहिए कि नाबालिग बच्चे काम कर रहे हैं। अगर इसके अंदर जैसे नाबालिग लड़के, तो फिर आप प्रशासन से क्या अपील करना चाहेंगे? ये करना चाहेंगे कि ये जो है इस पर कार्रवाई होनी चाहिए।